आजादी आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के क्रांतिकारी काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जयंती के अवसर पर गोरखपुर मंडलीय कारागार में स्थापित उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर और जेल के कोठरी नंबर 7 में पुष्पार्चन और आरती करके बिस्मिल को शिद्दत से नमन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर रामधनी, जेलर प्रेम सागर शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी बृजेश राम त्रिपाठी, क्षेत्रीय मंत्री प्रदीप शुक्ला और प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश सिंह ने माल्यार्पण, आरती और पुष्पार्चन किया। इस संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि बिस्मिल करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने में बहुत ही कारगर साबित हुई। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक और रोशन सिंह जैसे सरीखे क्रांतिकारी ने आजादी के आंदोलन को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया, जिसकी परिणति रहा कि हम 1947 में पूर्ण रूप से आजाद हो गए। साथ ही वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर रामधनी ने कहा कि गोरखपुर जेल का कोठी नंबर 7 इस बात का गवाह एवं साक्षी है कि 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल के बलिदान से जो संदेश देश को मिला वह आवाज स्वतंत्रता कराने में महती भूमिका निभाई थी और हम सब उस जेल की सेवा में है जहां पर बिस्मिल जैसा क्रांतिकारी ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी बृजेश राम त्रिपाठी, वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर रामधनी और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जयगा हिंदुस्तान, बिस्मिल तेरा या बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, बिस्मिल तेरा या बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, माता की जय, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, जय माता की जय, हाथ नीचे, हाथ नीचे, जय माता की जय, काट की हत्या, हां ये पूरा गेट था इधर थोड़ा सा, उसमें रहते हैं ये घर वाला साइड है, किसी में पड़े तो उन्होंने वहाँ जो अपने लिखा ना वो चाहते थे कि तपस्या करना किसी किसी मठ रूप में, तो यहाँ आए तो इसी को उन्होंने उसी रूप में एक पिंडी उंडी स्थापित करके यहाँ तपस्या करते थे और ये और दीवारों पर उन्होंने
देश राम त्रिपाठी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन समिति संयोजक। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का ये वो कच्छ है जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के 4 वर्ष और 10 दिन बिताते हुए 10वें दिन फांसी के फंदे पर वो चढ़े थे। फांसी के फंदे पर चढ़ने से पूर्व भोर में 4 और 5 बजे के बीच में उन्होंने ये बात कही थी, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे इस भारतवर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा था, मरते बिस्मिल रोशन लहरी अस्फाक अत्याचार से, होंगे सैकड़ों पैदा उनकी रुधिर की धार से। आज हम देख सकते हैं कि उनके जन्म के 123वें वर्ष के अवसर पर पूरे विश्व में संकट डालने वाला जो कोविड-19 महामारी है, इससे जूझते हुए इस गोरखपुर के सैकड़ों राष्ट्रभक्त बारी बारी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइज करते हुए अपने उस राष्ट्रभक्त को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने से रोक नहीं पाए और अपने घरों से चलकर इस जेल के उस स्थान पर पहुँचे जो उनके लिए एक पवित्र तीर्थ है। और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती पर हम उनके मन के अंदर, उनके भीतर जो कवि है, जो शायर है, जो साहित्यकार है, जो लेखन है, जो लेखक है, उसको हम ठीक प्रकार से देख रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं। और उनके द्वारा 11 पुस्तकें जो लिखी गईं और उन पुस्तकों को बेचकर उससे मिले अर्जित पैसे से देश की आज़ादी के लिए, ब्रिटानी हुकूमत को भगाने के लिए और ब्रिटानी हुकूमत को चैलेंज देने के लिए जो हथियार खरीदने की आवश्यकता पड़ी थी, उन्होंने अपने लिखे हुए पुस्तकों से पैसे लेकर वो हथियार खरीदे थे और अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया था। हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण करते हैं और उनकी अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है उससे प्रेरित होकर हम उनको आज उनकी 123वीं जयंती के अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता है। आज अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आज उनका जन्मदिन है। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हमें उनसे, उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। शहीद स्मारक को और विकसित सौंदर्यीकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट दिया हुआ है, निर्माण इकाई कार्य कर रही है, जिससे कि यहाँ देश के अपने युवा, देश के नागरिक आकर के माल्यार्पण करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनको याद करें तथा उनके विचारों को समाज में फैलाएं, जिससे अपने देश के नागरिक और समाज मजबूत हो। देखिए, देश में जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन दिया, ऐसे सभी स्थल देश के युवाओं के लिए वो तीर्थ स्थल हैं। और गोरखपुर के जिला जेल ये भी गोरखपुर ही नहीं बल्कि देश के लिए, देश दुनिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक आज़ादी की लड़ाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बोटकेश्वर दत्त जैसे हजारों नौजवानों ने भारत माता के लिए अपना पूरा जीवन दिया। शाहजहाँपुर के रहने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी गोरखपुर के जिला जेल में हुई थी और इस फांसी स्थल पर लोग आकर के उनको माल्यार्पण करते थे, श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। जब पिछली बार हम लोग आए तो ये जो उनके फांसी स्थल के सामने की दीवार है, वो दीवार बंद कर दी गई थी और ये जो जिसमें वो कमरे में रहते थे, इन कमरों में ये तो अलग ही था, जेल में इसमें कोई दर्शनीय स्थल के रूप में नहीं था। तो जब मुझे पता चला, ब्रजेश राम त्रिपाठी अक्सर यहाँ कार्यक्रम करते थे तो उन्होंने बताया, तो हम लोग यहाँ आए। आने के बाद जब ये बातें जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को हमने बताई
कि ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ा हुआ जो तीर्थस्थल है जेल के अंदर, और उसमें जो मकान है जिस मकान में वो रहा करते थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से लिखी हैं, वो सब अगर सेपरेट हो जाए तो देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्थल बन सकता है। उन्होंने तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया, जेल प्रशासन को निर्देशित किया, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने 1,88,00,000 रुपये स्वीकृत करके पूरे चारों तरफ से जेल के बाहर इसको पूरा सेपरेट करके 22 फीट की ऊँची दीवार बना करके, ताकि जेल की भी सुरक्षा को खतरा ना हो और देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्थल भी ये बन सके। और उसी क्रम में यहाँ पूरा बना है, ये एक तीर्थस्थल है, और हम सब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया भारत माता के लिए, उनके जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं।